वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, ये उस वीडियो का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो सर अगर आपने पहले वाला गुडविल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख के आइए, क्योंकि ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, सीक्वल है, राइट। चलिए तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट दो मेथड पे जो हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखना था, दैट इज मेथड नंबर 3, दैट इज ऑल अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड मेथड नंबर 4, दैट इज ऑल अबाउट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। मैं इन दोनों मेथड को साथ में सिखाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इन दोनों मेथड के लिए मैं कॉमन एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन भी आपके सामने क्रिएट करूंगा और मैं सॉल्व भी आपके सामने ही करूंगा, ऑनेस्टली आपको मजा आएगी, ट्रस्ट मी। ओके, सो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज करते हैं हमारे फर्म का कैपिटल, हमारे पास कैपिटल है 10 लाख का। ओके, नॉर्मल रिटर्न जो एक इंडस्ट्री रिटर्न होता है वो है, सपोज करते हैं 10%। हमने जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है दैट इज लगभग 1.5 लाख, और इयर्स ऑफ परचेजेस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेट इट बी 6 इयर्स, राइट। चलिए ये है मेरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इस क्वेश्चन को पहले मैं सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करूंगा, फिर इसी क्वेश्चन को मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। एंड ऑनेस्टली ये करने का एक ही तरीका है जिससे आपको दोनों का डिफरेंस पता चले, दोनों मेथड का डिफरेंस पता चले। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो पहला हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। सर इस मेथड के अंदर ही लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट, यहां पे हम प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देंगे। चलिए निकालेंगे कैसे। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी दुनिया कमाती है। सर आपने इस साल प्रॉफिट कमाया 1,50,000 का, नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, लोग कमाते हैं 10 लाख का 10%, जो कि होता है 1 लाख। मतलब आम आदमी, आम दुनिया, बाकी लोग कमाते हैं 1 लाख। सर दुनिया कमा रही है 1 लाख, हमने कमाया 1.5 लाख, मतलब हमने लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमाया, हमने बाकी दुनिया से 50,000 एक्स्ट्रा कमाया। मतलब ये हमारे लिए सुपर प्रॉफिट हो गया कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो नहीं कमा पा रहे वो हम कमा रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारे लिए सुपर प्रॉफिट, राइट। ये हो जाता है हमारे लिए सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेजेस। हमारा गुडविल का फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेजेस। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला, अभी कितना आया भैया 50,000। ईयर ऑफ परचेजेस मुझे क्वेश्चन में दिया है दैट इज 6 इयर्स, मतलब मेरी गुडविल हो जाती है 3 लाख की। दिस इज माय फर्स्ट मेथड, बड़ा ही सिंपल लगाना, मैंने कहा था बहुत इजी है, कुछ नहीं करने का है, प्रॉफिट टू प्रॉफिट कंपेयर करो, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, दुनिया कितना कमा रही है, हम कितना कमा रहे हैं। अगर हम दुनिया से ज्यादा कमा रहे हैं मतलब हम सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज कर दो, आपको मिल जाएगा गुडविल, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन में ऐसा तो क्या होता है सर, वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि लोग कितना कमाते हैं, लोग कमाते हैं 10%, मतलब हर 100 रुपए पे दुनिया कमा रही है 10 रुपया, राइट भैया। 10% मतलब 10 रुपया होता है, मतलब अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट होंगे कहीं पे तो लोग कमाएंगे 10 रुपीज ऑन 100 रुपीज। सर हमने कितना कमाया, हमने कमाया है 1.5 लाख, तो इस 1.5 लाख के लिए सर हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए था, वो हमें ढूंढना है। तो देखो नाम चिल्ला रहा है कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे कैपिटल को कंपेयर करो, मतलब लोग कितना कैपिटल लगा रहे और हम कितना लगा रहे उतने प्रॉफिट कमाने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब हमारे पास कैपिटल होना चाहिए था 15 लाख। अगर हमें 1.5 लाख प्रॉफिट कमाना है तो हमारा कैपिटल होना चाहिए 15 लाख। बट ठीक है, हाँ 15 लाख कैपिटल होना चाहिए, बट सच में हमारे पास कैपिटल तो 10 लाख ही है। मतलब जो आम आदमी, जो एक नॉर्मल दुकानदार को 15 लाख कैपिटल डालने पे मिलता है, सर हमें तो 10 लाख कैपिटल डालने में मिल गया, क्योंकि हमें 5 लाख डालना ही नहीं पड़ा। और जो पैसा बिना डाले आप कमा रहे हो वो क्यों कमा रहे हो, क्योंकि उतनी तो आपके नाम की इज्जत है, उतनी तो आपकी गुडविल है जिसके लिए आपको उसमें पैसा डालना नहीं पड़ रहा है। इन शॉर्ट गुडविल कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे गुडविल हो जाएगी एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। लोग कितना कैपिटल डालते 1.5 लाख कमाने के लिए, 15 लाख। सर आपने कितना कैपिटल डाला 1.5 लाख कमाने के लिए, 10 लाख। इन शॉर्ट आपने कितना कैपिटल कम डाला, 5 लाख। मतलब जो लोग 15 लाख में करते हैं सर आपने वो 10 लाख में कर दिखाया, आपने कितना कम पैसा डाला 5 लाख। तो वो 5 लाख आपको डालना क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि सर वो 5 लाख की तो आपकी गुडविल ही काफी है, वो 5 लाख तो आपके नाम की वैल्यू है, इसलिए वो 5 लाख आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। सो ये 5 लाख आपके लिए बन जाता है गुडविल एज पर
कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या हो गया ये 5 लाख गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। याद रहेगा बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देना है और कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको कैपिटल को इंपॉर्टेंस देना है। बस इतना से ध्यान रख लो, फॉर्मूले तो अपने आप बन जाते हैं, डजंट मैटर। कुछ बुक्स में क्या होता है, इन दोनों मेथड को मर्ज करके एक पांचवा मेथड और बनाया जाता है और उस मेथड को नाम देते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सर वो भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, अपने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। देखो मैं बताता हूं, इस केस में हमारा सुपर प्रॉफिट कितना था, 50,000। चलिए इसको कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है मैं करूंगा कैपिटलाइज कि हर 100 रुपए डालने पर दुनिया कमाती है 10 रुपए। सर हमने कितना सुपर प्रॉफिट कमाया, हमने सुपर प्रॉफिट कमाया 50,000। तो इस 50,000 को कमाने के लिए हमें कितना एडिशनल कैपिटल चाहिए होना चाहिए, तो होना हो गया वो 50,000 × 100/10। मतलब मुझे 5 लाख का एडिशनल कैपिटल और चाहिए। अगर मैं चाहूं ये प्रॉफिट कमाना है 50,000, तो मुझे 5 लाख का एडिशनल कैपिटल और डालना पड़ता। बट भैया मैंने तो डाला ही नहीं है। मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि सर 5 लाख तो मेरे नाम की वैल्यू है, मेरे खुद की गुडविल है इतनी कि उतना पैसा बिना डाले भी मैं उतना पैसा कमा लेता हूं। सो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आप यहां पे सुपर प्रॉफिट लिखेंगे तो ये हो जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। याद रहेगा सबको, बड़ा ही सिंपल था। आई होप आपको मजा आया होगा, 100% आना ही चाहिए, मजा आना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, मैं तो जब मैं पढ़ाता हूं मजा आना ही चाहिए प्लीज। हाँ इसलिए फिर भी देखो डाउट रहना 100% सही बात है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो 100% मुझे बताइए, कमेंट्स करते रहिए, प्लीज बताते रहिए आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। अगर कहीं तकलीफ है, कोई सर मुझे इलस्ट्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप बताइए ना, 100% कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा आपको वो सम करके दिखाने की। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय फॉर द डे बच्चा लोग।